इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में साइको किलर द्वारा बीती रात दुकान के बाहर सो रहे युवक पर रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं साइको किलर द्वारा पहले भी दो बार ऐसी ही घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र में घटित हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने साइको किलर को पकड़कर सलाखों के पीछे रख दिया है। इंदौर के सराफा साइको किलर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि फुटपाथ व दुकानों के बाहर सोने वालों पर हमला कर फरार हो जाया करता था। जी हां, सराफा थाना क्षेत्र के शीतला माता बाजार में दुकान के बाहर सो रहे युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं पास में सो रहे अन्य परिजनों की मदद से उसे तुरंत MY हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस को MY से सूचना मिलने पर तत्काल हरकत में आई और दुकान के आसपास लगे CCTV खंगाले गए, जिसमें एक युवक लोहे की रॉड ले जाता हुआ नजर आया तो वहीं दूसरे CCTV में बकायदा हमला करता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं CCTV के आधार पर पुलिस ने पुराने अपराधों में संलिप्त अजीत सिंह को गिरफ्तार किया है, जो कि इससे पहले भी मल्हारगंज थाना क्षेत्र में दो बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जो कि बाहर सोते हुए लोगों पर हमला कर फरार हो जाया करता था। फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि वह हर घटना में 4 साल का अंतर रखता है। बता दें कि पकड़ाए साइको किलर अजीत सिंह द्वारा पहले भी दो ऐसी ही घटनाओं को मल्हारगंज थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि साइको किलर नशे का आदि है और आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस ने पूरे ही मामले में अजीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल की सलाखों के पीछे रख दिया है। वहीं उसके पुराने आपराधिक मामलों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। सुबह 9 बजे एक सूचना आई थी हॉस्पिटल से कि एक व्यक्ति जो कि जिसके सिर में चोट है, तो उस पर हम लोग जांच पे गए। अब चूंकि उस व्यक्ति की बोलने की स्थिति नहीं थी तो उसके परिजनों को बुलाया। उसके बाद सिर में चोट होने के कारण हमने प्राण घातक चोट है उसने 307 की कायमी करी। और उसके बाद जो घटना स्थल था शीतला माता बाजार, वहाँ पता किया तो एक अनुपश्री साड़ी करके दुकान है, उस CCTV में हमको घटना होती हुई पूरी नज़र आई। तो हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा आसपास की पूरी सर्चिंग की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो अजीत सिंह करके इस व्यक्ति को पहचाना गया। फिर आसपास पूरी पुलिस लगाकर पूरी सर्चिंग करवाई तो ये अजीत सिंह गोराकुंड में हमको मिला। और घटनास्थल पर ही जिस राड से उसको सर में चोट मारी थी वो राड जब्त हुई है और अजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। हाँ, अजीत सिंह पे मल्हारगंज थाने में 2016 में और 2012 में दो अपराध दर्ज है, जिसमें वो ऐसे ही सोने वाले लोगों पर सिर पे पत्थर मार के, मतलब वाली बड़ी वाली फर्सी होती है वो मार कर और उनको मृत्यु कारित कर चुका है और ये तीसरी घटना उसकी है। अभी जो हमारा घायल है वो अभी बोलने की अवस्था में नहीं है, उनकी पत्नी ने रिपोर्ट लिखाई है और उनकी हालत नाजुक है और उसको जेल भेज दिया आरोपी को।